हेलो दोस्तों, ये है माय नेम इज एंटायरली फीमेल डेमन विलन्स का एपिसोड 16। सो स्टार्ट करो। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लीटिया का पैलेस दिखाया जाता है एंड फिर हम शिया युविन को देखते हैं जो इतने सारे बॉडी बिल्डर्स को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई होती है एंड फिर शिया युविन वुचन से कहती है कि इन बॉडी बिल्डर्स को यहाँ से जल्दी से गायब करो वरना मैं अंधी हो जाऊंगी। एंड फिर हमारा हीरो उन सबको वहाँ से गायब कर देता है एंड फिर शिया युविन कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो इसीलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ। वुचन उससे कहता है कि तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो लेकिन हमारी शादी को तो अभी आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद शिया युविन कहती है कि अगर तुमने मुझे धोखे से शादी के लिए तैयार ना किया होता तो मैं तुम जैसी कमजोर और बेकार से ह्यूमन के साथ कभी भी शादी नहीं करती। एंड फिर वुचन उससे गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे एक कमजोर इंसान कहा। हाँ, एंड फिर वुचन शिया युविन को भी लीटिया की तरह पिछवाड़े पर बहुत ज्यादा मानने लगता है और कहता है कि ये मेरा स्पेशल अटैक है तुम जैसे शरारती बच्चों को सबक सिखाने के लिए। शिया युविन कहती है कि नहीं 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 नहीं। एंड फिर कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि शिया युविन कह रही होती है ग्रैंड मदर ने भी मुझे कभी पीछे मारा नहीं। एंड फिर वुचन शिया युविन से कहता है कि तुम अभी मुझसे डाइवोर्स के बारे में कह रही थी है ना, ये इम्पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे सकता हूँ। शिया युविन कहती है कि सच में। वुचन कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दूसरी डिमोनेसिस के साथ शादी करने में मदद करो। शिया युविन कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी मदद कभी भी नहीं करूंगी। एंड फिर वुचन अपने कपड़े उतारने लगता है और कहता है कि मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। एंड उसे कपड़े उतारता देख शिया युविन उसे पूछती है कि तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो। एंड फिर वुचन शिया युविन को अपनी गोदी में उठा लेता है और उसे बिस्तर पर लेटा देता है यानी फेंक देता है। एंड फिर वुचन शिया युविन से कहता है कि आज हमारी शादी हुई है, इसका मतलब कि आज हमारी सुहाग रात है एंड उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के साथ तुम अगर चाहो भी तब भी मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो शिया युविन, और तुम्हारे अंदर जितने भी क्वालिटीज हैं एबिलिटीज हैं वो सारी की सारी यूजलेस हो चुकी हैं, तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी यानी कि नॉर्मल गर्ल हो। एंड फिर वुचन शिया युविन को उसके पैर पर टच करता है एंड यहाँ शिया युविन सोच रही होती है कि मेरी बहनें मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगी तुम देखना। एंड वुचन उसकी तरफ जैसे ही अपना हाथ बढ़ाने वाला होता है वो देखता है कि शिया युविन तो रोने जैसा चेहरा बना रही है एंड या गाइस वो एक्चुअल में रो रही है। वुचन उसे ऐसा देखकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, हाँ मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हर बार कह रही हो कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, ये मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार साउंड दे रहा है। एंड फिर वुचन शिया युविन से कहता है कि मैं थक गया हूँ तो तुम अपने कमरे में जाकर सो सकती हो। उसकी ये बात सुनकर कहती है कि क्या तुम मुझे जाने दे रहे हो। सो वुचन कहता है कि तुम क्या मेरे साथ सोना चाहती हो। हाँ, एंड शिया युविन उससे जाते हुए कहती है कि ऐसा सोचना भी मत। एंड वो जा रही होती है सोने के लिए। सो वुचन कहता है कि गुड नाइट एंड वो शिया युविन उससे गुड नाइट कहकर दरवाजा बंद कर देती है। एंड फिर शिया युविन दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सोच रही होती है कि आखिर मैंने उस कमीने से गुड नाइट क्यों कहा। एंड फिर शिया युविन सोचती है कि तुम भले ही अभी एक अच्छे जेंटलमैन बनने का नाटक कर रहे हो लेकिन मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो और मैं तुमसे डाइवोर्स लेकर रहूंगी। एंड फिर सीन बदलता है और हम शिया युविन को चुपके से किसी कमरे में जाते हुए देखते हैं एंड वो किसी कमरे के बाहर खड़ी होकर देख रही होती है कि लीटिया कहाँ गई। एंड तभी हमें कोई परछाई वाला पर्सन दिखाई देता है जो कहता है कि तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो। सो शिया युविन उसकी आवाज़ सुनकर घबरा जाती है और उसे लगता है कि ये लीटिया है। सो वो कहती है मैं तो यहाँ पर बस ऐसे ही घूम रही थी। लेकिन जब वो शिया युविन उसको देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ये तो मैट्रियार्च डीमनेस है। एंड वो जो दूसरी डीमनेस है वो शिया युविन से गुड इवनिंग कहती है। एंड गाइस तुम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हो, इसका नाम फेंगयांशु है और ये मैट्रियार्च डीमनेस है। एंड बाकी सारी फालतू की इंफॉर्मेशन जो तुम लोग खुद पढ़ सकते हो यार। एंड शिया युविन उस मैट्रियार्च डीमनेस से कहती है कि जरा धीरे से बोलो एंड तुम यहाँ लीटिया की टेरिटरी में कर क्या रही हो, अगर लीटिया को पता चल गया ना कि तुम यहाँ पर ऐसे हो तो हम दोनों के लिए खैर नहीं होगी। सो वो मैट्रियार्च डीमनेस कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन मैजिक प्रोजेक्शन है, मैं यहाँ पर सच में नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरी एक परछाई है। एंड फिर वो मैट्रियार्च डीमनेस शिया युविन से कहती है कि अच्छा तो सबसे पहले तुम आई हो यहाँ पर मैसेंजर को ढूंढने के लिए। एंड फिर वो मैट्रियार्च डीमनेस कहती है कि क्या तुम्हें वो मैसेंजर मिला, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें वो मैसेंजर अभी तक मिला होगा। एंड यहाँ शिया युविन सोच रही होती है कि ये देख लो भैया एक और डीमनेस जो वुचन के जाल में फंसने वाली है। तो वो कहती है मैट्रियार्च डीमनेस तो मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम उस मैसेंजर को अभी तक नहीं ढूंढ पाई होगी क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिससे तुम उसे अट्रैक्ट कर पाओ। एंड फिर वो कहती है कि आखिर कौन सा लड़का तुम जैसी फ्लैट चेस्टेड वाली लड़की को पसंद करेगा, जिस उनका शिया युविन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम ये मत समझो कि तुम बड़े बूबीज के साथ किसी भी मैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगी, इस दुनिया में ऐसे काफी लड़के हैं जो मुझ जैसी क्यूट लड़कियों को पसंद करते हैं। एंड फिर शिया युविन कहती है कि मैट्रियार्च डीमनेस तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं उन देवदूतों के साथ कितनी ज्यादा पॉपुलर थी। वो मैट्रियार्च डीमनेस कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो जो देवदूत थे वो दूसरी दुनिया से आए थे। एंड फिर वो जो मैट्रियार्च डीमनेस है वो कहती है कि शिया युविन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं मैट्रियार्च की डीमनेस हूँ,
तुम्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कितने सारे लोग यानी कि मेल मेरे आकर्षण से मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड फिर वो कहती है कि तुम एक अच्छी बच्ची की तरह एक जगह पर बैठ जाओ और मुझे अपना काम करने दो, अब मेरी बारी है। और तुम बस देखती जाओ शिया युएन, जब मैं एक नई डीमन गॉडेसेस बन जाऊंगी तब डिवाइन अथॉरिटी मुझे मिल जाएगी, तब मैं तुम्हें आयरन प्लेट डीमनेस बुलाऊंगी। एंड फिर वो मैट्रियाज डीमनेस वहां से गायब हो जाती है। एंड यहाँ शिया युएन को उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रही होती है कि मैट्रियाज डीमनेस, अगर तुम मेरे साथ इतना बुरा बिहेव करने वाली हो तो अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए तुम मेरे सामने रोना मत, और अगर तुम उस बूचन से इतना ही ज्यादा मन है तुम्हारा शादी करने का तो मैं तुम्हें जरूर उससे शादी करने में तुम्हारी मदद करूंगी। यानी गाइस शिया युएन तो मरेगी और मैट्रियाज डीमनेस को भी अपने साथ ले डूबेगी। एंड फिर वो सोचती है कि अगर वो बूचन तुमसे शादी कर लेगा वो तुम्हारी ओर ज्यादा अट्रैक्ट होगा और फिर वो मेरी तरफ आएगा ही नहीं और मुझे इतना परेशान भी नहीं करेगा। एंड फिर वो जो द फुल मून डीमनेस है शिया युएन बहुत ज्यादा हंसने लगती है कि हू हा 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 हू हा हा हा। एंड सो या गाइस यहीं पर जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। एंड सो प्लीज subscribe my channel and like the video. The next video is coming soon.